नमो नमः मैं प्राणी, मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं संस्कृत भाषाया शिक्षण के अंतर्गत सिटेट 2019 की परीक्षा में आने वाले संभावित गद्यांश को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, आपको बता दूँ, आज जो मैं गद्यांश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसमें से पिछले साल की परीक्षा में एक प्रश्न आ चुका है और संभावना है कि आधुनिक युग में चूंकि संगणक का बहुत महत्व है, इसलिए तत्संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए आपको इस गद्यांश का मैं अभ्यास कराना चाहता हूं। तो मित्रों, इस गद्यांश के अभ्यास में अस्मिन गद्यांशे संप्रति अशीति व शब्दा भविष्यन्ति, इस गद्यांश में लगभग 100 शब्द हैं। तम गद्यांशम पठित्वा, इस गद्यांश को पढ़ करके तेनैव आधारेण प्रश्नोत्तराणि लेखनीयानि, उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा। तो मित्रों देखिए, संस्कृत गद्यखंड और पद्यखंड से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। सबसे सरल मेथड है, आपको ना तो अर्थ जानना है ना तो उसके शब्द गांभीर्य पर चर्चा करना है, केवल आप प्रश्नों को देख करके उसके उत्तर जो है एक सेकंड में कैसे दे लेंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो प्रश्न आपको दिया गया है उन प्रश्नों में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, सबसे पहले आप ध्यान देंगे जो जो शब्द उस प्रश्न में आए हैं उस प्रश्न के शब्दों को आप अपने गद्यांश की लाइन में देखिए, पंक्ति में देखिए, जिस पंक्ति में वह शब्द मिलते हैं उसी पंक्ति में मित्रों उसका उत्तर विद्यमान है। जिस पंक्ति में उस प्रश्न के शब्द मिलते हैं उसी पंक्ति में उसका उत्तर विद्यमान है। तो मित्रों देखिए, जैसे हमारा पहला प्रश्न है, सांख्यिकीय संगणकस्य भारम आसीत, सांख्यिकीय संगणक का भार था। कितना था सांख्यिकीय संगणक का भार? तो इसमें देखिए मित्रों, अब आप देखिए, एतस्य भारः 63 टन परिमितम आसीत। अब इसमें देखिए शब्द आया है आसीत, भारम, संगणकस्य, सांख्यिकीय। तो मित्रों इसमें आया है आसीत, भारः, संगणकस्य माने एतस्य, संगणकस्य एतस्य, एतस्य संगणकस्य, इस संगणक का भार मित्रों कितना है? 63 टन परिमितम, 30 टन परिमित। तो इसमें उत्तर देखिए आप, 20 टन दिया है ये नहीं होगा, 10 टन नहीं होगा, 63 टन परिमितम। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 63 टन। अगला मित्रों प्रश्न है, संगणकस्य वर्गस्य संख्याम लिखत, संगणकस्य वर्गस्य संख्याम लिख, तो संगणक वर्ग की संख्या आप लिखिए। तो इसमें देखिए मित्रों है आकार प्रकार दृष्टियाकार क्षमता संगणकस्य चतुर्वर्गेषु, चार वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। संगणक वर्ग की संख्या कितनी है? चार। तो चत्वारः इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, चत्वारः। अगला प्रश्न है, प्रारंभे संगणकस्य प्रयोग, प्रयोग समभवत, प्रारंभिक रूप में संगणक का प्रयोग किया गया, किसके लिए किया गया? कंप्यूटर का प्रयोग किसके लिए किया गया? भवन निर्माणे, भवन के निर्माण में, गलत है। कला क्षेत्र, कला के क्षेत्र में, यह भी उचित नहीं है। गणना कार्य, गणना कार्य तो प्रारंभिक अवस्थायाम एवं संगणकस्य प्रयोग संभवत, ना तो अन्य कार्य। तो अस्य प्रश्नस्य समीचीनम उत्तरम अस्ति गणना कार्ये, गणना कार्ये एव प्रारंभिक रूपेण संगणकस्य प्रयोगो भवति। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों, गणना कार्य में, गणना करने के लिए। फिर अगला प्रश्न है मित्रों, ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा में, पिछली परीक्षा में पूछा गया है, सीटेट 2018 की परीक्षा में प्रश्न आया है, संगणक शब्दस्य अर्थ अस्ति। तो मित्रों हम ज्यादातर अर्थ लगाते संगणक माने गणना, तो गणना तो कैलकुलेटर भी करता है, लेकिन संगणक का वास्तविक अर्थ होता है मित्रों कंप्यूटर,
संगणक माने कंप्यूटर, तो इसका अर्थ है आप कैलकुलेटर कभी मत लगाइएगा, इसलिए इसका वास्तविक जो है अर्थ है कंप्यूटर। फिर अगला प्रश्न है मित्रों, सांख्यिकीय संगणकस्य निर्माण सर्वप्रथम कुत्र अभवत्। सांख्यिकीय संगणक का निर्माण सर्वप्रथम कुत्र अभवत्, कहां हुआ? तो इसका उत्तर देखिए आप, इसके उत्तर के लिए सर्वप्रथम संगणकस्य निर्माणम पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय 1946 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। तो कहां पर हुआ इसका निर्माण? पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नहीं हुआ, पेंसिल्वानिया। ये बी विकल्प आपका सही है मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। पिछले साल संगणक का अर्थ आया था, तो इस साल आपसे पूछा जा सकता है कि सांख्यिकीय संगणक का निर्माण सर्वप्रथम कहां हुआ। तो सांख्यिकीय संगणक का सर्वप्रथम निर्माण कहां हुआ? पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में हुआ। कब हुआ मित्रों? 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मित्रों, सर्वेशु शब्द का विभक्ति, सर्वेशु शब्दे का विभक्ति ही वचनम कथय। सर्वेशु शब्द में कौन विभक्ति है और कौन वचन है, यह आपको कहना है, बताना है। तो सर्वेश शब्दे सप्तमी विभक्ति बहुवचन, रामेशु सर्वेशु भवनेशु नगरेशु ग्रामेशु, अगर सु आता है तो सु मित्रों सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। ए आता है ग्रामे ग्रामे, नगरे नगरे, भवने भवने, सदने सदने, जने जने, ए आता है तो सप्तमी एक वचन है। और अगर वही सर्वेशु भवनेशु नगरेशु वाह्येशु विद्यालयेशु एशु एशु आता है तो ये आपका सप्तमी बहुवचन में होगा। वैसे भी मित्रों मैंने आपको बताया था एक सरल ट्रिक, आह आम एन आय आत आस्य ए हे। अब देखिए इसमें ए जो आया है तो ये एक वचन का रूप है, सप्तमी एक वचन में आया है और इसी से संबंधित मित्रों बहुवचन में आपका बनता है एसु। तो एसु अगर आता है तो आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा सप्तमी बहुवचन का रूप है, चाहे ग्रामेशु आए, चाहे नगरेशु आए, चाहे सर्वेशु आए, चाहे भवनेशु आए, चाहे विद्यालयेशु आए, चाहे ग्रामेशु आए, कुछ भी अगर एसु एसु आता है तो मित्रों आप संदेह मत करिएगा सप्तमी बहुवचन का वह रूप है। तो मित्रों आज मैं इस गद्यखंड से संबंधित प्रश्नों की चर्चा आपसे किया और उसके उत्तरों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यह गद्यखंड आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि आज आधुनिक युग में कंप्यूटर का बहुत महत्व है और कंप्यूटर से संबंधित गद्यखंड या पद्यखंड आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को और इस गद्यखंड को आप विशेष तौर पर 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो कमेंट में आप कुछ भी अगर लिख करके भेजते हैं तो मैं पुनः सुधार करके और बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों तब तक के लिए धन्यवाद, नमो नमः मित्राणि।